हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू आईडीएलएस एकेडमी। हमारे लेक्चर का टॉपिक है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्वीटेंड कंडेंस्ड मिल्क। कंडेंस्ड मिल्क एक ऐसा फॉर्म होता है जिसमें से वाटर को काफ़ी हद तक इवेपोरेट करके उसको बनाया जाता है। स्वीटेंड कंडेंस्ड मिल्क वो फॉर्म होता है जिसमें कि शुगर का एडिशन करके उसको स्वीट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो आज के लेक्चर में हम यही देखने वाले हैं कि कैसे बनाया जाता है फैक्ट्रीज में ये स्वीट एंड कंडेंस्ड मिल्क। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ स्वीट एंड कंडेंस्ड मिल्क। This is one of the earliest product commercially introduced. ये एक ऐसा product है, ऐसे कुछ products में से एक है जिनको कि जब commercially जिनका production start किया गया था, उन्हीं में से सबसे पहले जिनका start किया था condensed milk, उनमें से एक है। And is made from standardized whole milk. Whole milk क्या होता है? Complete milk with sugar एक्टिंग एज अ प्रिजर्वेटिव। इसमें शुगर को एज अ प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है जो कि कई सारे बाहरी पैथोजन के अटैक से इस कंडेंस्ड मिल्क को बचाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग की जो प्रोसेस होती है उसकी स्टार्टिंग होती है, सबसे पहले आप अगर मिल्क से किसी भी चीज को बनाने जा रहे हैं तो आपको ज़रूरत होगी कि आप मिल्क को लेके आएं। तो सबसे पहला पॉइंट होता है रिसेप्शन ऑफ मिल्क। मिल्क इंटेंडेड फॉर यूज इन प्रिपरेशन ऑफ कंडेंस्ड मिल्क शुड बी क्लीन, स्वीट, फ्री फ्रॉम ऑफ फ्लेवर्स एंड ओडोर्स एंड रीजनेबली फ्री फ्रॉम एक्सट्रैनियस मैटर। जिस मिल्क को कंडेंस्ड मिल्क की प्रिपरेशन के लिए लिया जा रहा है वो क्लीन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, मीठा होना चाहिए, किसी भी गलत तरीके की स्मेल से, किसी भी गलत टेस्ट से, बुरे टेस्ट से अलग होना चाहिए और किसी भी बाहरी मैटर से फ्री होना चाहिए। ऐसे मिल्क को हम लेते हैं जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं कंडेंस्ड मिल्क को। अगली प्रोसेस क्या होती है, जब मिल्क ले लिया उसके बाद में उसको कूल किया जाता है। कूलिंग होती है आफ्टर रिसीविंग एट प्लेटफॉर्म द रॉ मिल्क शुड बी इमीडिएटली कूल्ड टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड और बिलो टू रिटार्ड द डेटरियोरेटिव चेंजेस ड्यू टू बैक्टीरियल ग्रोथ। इसकी कूलिंग क्यों की जाती है? कूलिंग इसलिए की जाती है क्योंकि जितने भी ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस जो भी होते हैं, इनको ज़्यादातर एक नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर चाहिए होता है अपनी ग्रोथ करवाने के लिए। तो अगर मिल्क नॉर्मल टेम्परेचर में रहेगा तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर जाएंगे और उसको डिटेरियोरेट कर देंगे, मिल्क को क्वालिटी को ख़राब कर देंगे, डिग्रेड कर देंगे। इसलिए इसको 5 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम पे इसको कूल किया जाता है ताकि जब लो टेम्परेचर होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ बहुत कम हो जाएगी और फिर जो मिल्क है वो फ्रेश रहेगा, उसकी क्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो जब कूल करके ये मिल्क को रख लिया गया उसके बाद में क्या होता है, क्लेरिफिकेशन या फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को किया जाता है। क्लेरिफिकेशन या फिल्ट्रेशन का मतलब ही होता है कि उस मिल्क से किसी भी बेकार की चीज़ को बाहर कर देना, कोई भी पार्टिकल, इसीलिए इसको फिल्टर किया जाता है कि अगर बाय चांस कोई भी ऑल्दो जो मिल्क लिया जाता है वो फ्रेश लिया जाता है, फिर भी बाय चांस अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई ऐसी चीज़ आ गई हो तो उसको फिल्ट्रेशन की प्रोसेस के थ्रू रिमूव कर दिया जाए। सो फिल्ट्रेशन इज कैरीड आउट टू रिमूव दी कोर्स पार्टिकल्स। कोई भी बाहरी ऐसा पार्टिकल जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आगे चल के,
उसको रिमूव कर दिया जाता है। इसके अलावा विजिबल डस्ट और डर्ट, कोई भी डर्ट मिट्टी धूल आ गई है तो उसको भी अलग कर दिया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। अगली जो प्रोसेस है क्लेरिफिकेशन, क्लेरिफिकेशन इज डन टू रिमूव टाइनी फीड पार्टिकल्स। कोई भी ऐसा पार्टिकल जो कोई खाने पीने का पदार्थ, कोई ऐसी चीज़ आ गई है लाइक ल्यूकोसाइड है, ब्लड सेल्स है एट्सेट्रा फ्रॉम मिल्क, इन सब चीज़ों को अलग कर दिया जाता है क्लेरिफिकेशन और फिल्ट्रेशन की प्रोसेस के द्वारा। नेक्स्ट होता है स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन मिल्क टू अ रिक्वायर्ड फैट एंड SNF रेशियो इज जनरली डन टू कन्फर्म टू लीगल स्टैंडर्ड्स इन द फिनिश्ड प्रोडक्ट। स्टैंडर्डाइजेशन इसलिए किया जाता है कि जो प्रोडक्ट बनके तैयार हो रहा है, फिनिश्ड प्रोडक्ट है, उसमें सारी लीगल स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया गया हो। The standardization of raw milk is usually done by the addition of skimmed milk or cream. Standardization के लिए skimmed milk को या cream को add कर दिया जाता है milk में। अगला point होता है stabilization. Stabilization का मतलब होता है stability provide करना। Heat stability that is the extent of heat treatment that the milk can withstand without undergoing coagulation is regarded as its heat stability. Heat stability में वो temperature देखा जाता है जिसमें कि milk जो है वो coagulate ना हो, जो coagulate का मतलब होता है जो चीज़ें इकट्ठी हो जाती है, थक्का type का बन जाता है, वो ना बने, तो उस लेवल पे पहुंचने से पहले वो कितनी हीट को टॉलरेट कर सकता है उसी को बोला जाता है इसकी हीट स्टेबिलिटी। और यही होती है स्टेबिलाइजेशन की प्रोसेस जिसमें कि इन सारी चीज़ों को मैनेज किया जाता है। अगला प्रोसेस होता है फोरवार्मनिंग। फोरवार्मनिंग हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द एज थिकनिंग एंड जिलेशन ऑफ द प्रोडक्ट ड्यूरिंग स्टोरेज। ये थिकनिंग को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। थिकनिंग क्या होता है, एक जेली लाइक जो स्ट्रक्चर बन जाता है, तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर ना बने इसको कंट्रोल करने के लिए फोरवार्मनिंग की प्रोसेस की जाती है। इट ऑल्सो हेल्प इन बैक्टीरियल डिस्ट्रक्शन एंड इन फीडिंग मिल्क टू द वैक्यूम पैन एट अ हाई इनफ टेम्परेचर्स सो एज नॉट टू डिप्रेस द बॉइलिंग। अब ये जो फोरवार्मनिंग की प्रोसेस होती है ये बैक्टीरियल डिस्ट्रक्शन को भी जो होता है उसको रोकती है, और इसके अलावा इस जो बॉयलिंग का टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर को भी प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। अगले स्टेप में क्या किया जाता है, एडिशन ऑफ शुगर। इतनी सारी चीज़ों को करने के बाद में शुगर को ऐड किया जाता है, और शुगर एक्ट एज अ प्रिजर्वेटिव। ये प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है जो कि उसको लंबे समय तक उसकी क्वालिटी को बना के रखता है इन स्वीटेंड कंडेंस्ड मिल्क। देर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ शुगर एडिशन। शुगर एडिशन के भी बहुत सारे मेथड्स मौजूद हैं। अब अगला जो फॉर्मिंग के अलावा जो अगला स्टेप होता है शुगर के एडिशन के बाद में वो होता है कंसंट्रेशन। द फोरवार्म्ड मिल्क इज कंसंट्रेटेड अंडर वैक्यूम। कंसंट्रेशन वैक्यूम में होता है, और वैक्यूम चैम्बर कैसे होते हैं हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी आप देख के आइए। सो कंसंट्रेशन इन अ प्री स्टरलाइज्ड वैक्यूम पैन। वैक्यूम पैन जिसमें कि कंसंट्रेशन किया जाता है उसको पहले से ही स्टरलाइज कर लिया जाता है ताकि उस पैन में कोई भी माइक्रोबियल ग्रोथ ना रहे। अंटिल द रिक्वायर्ड टोटल सॉलिड्स आर अटेंड, द प्रोडक्ट शुड कवर द हीटिंग ट्यूब्स बिफोर स्टीम इनटेक so as to prevent scorching।
जो ट्यूब्स होती हैं जिनमें कि मिल्क आ रहा है, उसमें जो प्रोडक्ट होता है उसमें हीटिंग ट्यूब को पहले ही स्टीम के डालने से पहले प्रोडक्ट को ही कवर करके रखना होता है। The product should be maintained at a uniform level by controlling the rate of fresh product intake. जो इनटेक हो रहा है, चीज़ें आ रही हैं, इनको एक यूनिफॉर्म मैनर में फॉलो कराना होता है ताकि चीज़ें स्मूथ चलें। जो मिल्क की क्वालिटी क्वांटिटी आ रही है वो उसी क्वांटिटी में कंटिन्यूसली आना चाहिए। एक्सेसिवली रैपिड बॉइलिंग इज अवॉइडेड एज इट लाइकली टू इंक्रीज इंटरटेनमेंट लॉसेस। जो बहुत ज़्यादा रैपिड बॉइलिंग होती है वो रैपिड बॉइलिंग नहीं की जाती है, एक यूनिफॉर्म बॉइलिंग की जाती है ताकि कोई भी लॉस ना हो। अगली प्रोसेस होती है होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन का मतलब ये होता है एक ऐसी प्रोसेस जो कि सबको एक जैसा कर दे। ऐसा नहीं है कि कहीं पे कोई बड़ा सा पॉइंट पड़ा है, कोई छोटा है, ऐसा मिल्क का टेक्सचर एकदम स्मूथ नहीं है, कोई छोटा सा बबल है, कोई बड़ा है, कुछ ऐसा है। तो इन सबको स्मूथ करने के लिए, पूरा एक जैसा बनाने के लिए होमोजेनाइजेशन की प्रोसेस की जाती है। होमोजेनाइजेशन प्रोसेस इज ऑप्शनल। ये ऑप्शनल है क्योंकि मिल्क के केस में चीज़ें ज़्यादातर स्मूथ ही होती हैं, तो आप चाहें तो करवा सकते हैं, नहीं तो नहीं भी करवा सकते हैं। इसलिए ये होमोजेनाइजेशन की प्रोसेस ऑप्शनल रखी जाती है फॉर कंडेंस्ड मिल्क प्रिपरेशन एंड इज परफॉर्म्ड बिफोर द प्रोडक्ट इज कूल्ड। प्रोडक्ट की कूलिंग से पहले ही इस प्रोसेस को कर लिया जाता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट की कूलिंग होती है वो लास्ट स्टेप होता है। उससे पहले ही अगर एक बार कूल हो जाएगा तो आप उसको फिर से चेंज करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। इसलिए कूलिंग से पहले ही आप उसको होमोजेनाइज कर लीजिए और उसके बाद में उसकी कूलिंग करवा दीजिए। होमोजेनाइजेशन रेंडर अ यूनिफॉर्म फैट इमल्सन एंड रिड्यूसेस फैट सेपरेशन टू अ मिनिमम ड्यूरिंग स्टोरेज। होमोजेनाइजेशन की प्रोसेस में जो फैट होता है, फैट इमल्सन सारा यूनिफॉर्म हो जाता है, एक जैसा हो जाता है पूरे जो कंडेंस्ड मिल्क का फॉर्मेशन हुआ है। इसके बाद में करवाई जाती है कूलिंग। प्रॉम्प्ट कूलिंग इज डिजायरेबल टू डिले द टेंडेंसी ऑफ एज थिकनिंग। एज थिकनिंग का मतलब होता है कि कहीं पे ज़्यादा थिक हो गया, कहीं पे कम है, कहीं पे ज़्यादा थिक हो गया। ये जो कम ज़्यादा वाली प्रोसेस है, इसको हटाने के लिए कूलिंग की जाती है प्रॉपर थिकनिंग के लिए। डिसकलरेशन एंड टू हैव अ फिनिश्ड प्रोडक्ट। कूलिंग में आपको फिनिश्ड प्रोडक्ट मिलता है, एक जैसा पूरा स्मूथ टेक्स्चर का, इवनली यहाँ पे जो थिकनिंग होती है उसकी होती है विद अ स्मूथ टेक्स्चर। टेक्स्चर बहुत ही स्मूथ हो जाता है एंड फ्री फ्रॉम एनी ऑब्जेक्शनेबल शुगर डिपॉजिट। पहले ही आप होमोजेनाइजेशन की प्रोसेस कर चुके हैं तो कोई भी शुगर का डिपॉजिट यहाँ पे नहीं होता, सारा चीज़ें स्मूथ होती हैं, यूनिफॉर्म होती हैं, एक जैसी हो जाती हैं। अगली प्रोसेस आती है, अब ये कूल हो गया है तो उसमें क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है। This is a very important step intended to induce micro mass crystallization of lactose. Lactose क्या है? वो sugar है जो कि present होती है milk में। अब इसको cool करके इसका crystallization किया जाता है ताकि एकदम crystal clear चीज़ें हो जाएं, which will be in a super saturated stage in the product when it is pumped to the cooling vat. This is done by the addition of a slurry of finely ground, that is 1 to 2 micron size pre-sterilized lactose in condensed milk from the same batch. और crystallization की process में किया क्या जाता है, कुछ lactose particles को pre-sterilize करके रखा जाता है
दैट इज माइक्रोफ्री करके रखा जाता है और उनको फिर कूलिंग के बाद में उनमें ऐड कर दिया जाता है ताकि प्रॉपर क्रिस्टलाइजेशन हो पाए। अगला आता है स्टेप स्टोरेज। जो चीज़ें बन गई हैं आप उनको स्टोर भी तो करके रखना है। दी स्वीटेंड कंडेंस्ड मिल्क डज नॉट रिक्वायर रेफ्रिजरेटेड स्टोरेज। इसको फ्रीज करके नहीं रखना होता है, इसीलिए रेफ्रिजरेटर की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन फिर भी ऑल्दो फॉर लॉन्ग सेल्फ लाइफ, जो उसका जीवन है वो ज़्यादा लंबा हो, इसके लिए पर्टिकुलरली इन ट्रॉपिकल कंट्रीज जैसे कि अपना इंडिया है, यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसे केसेस में इनका स्टोरेज कूल प्लेस पे किया जाता है, स्टिल इनको फ्रीज नहीं किया जाता। स्टोरेज एट 10 to 15 degrees centigrade, 10 से 15 degrees centigrade तक इनको कूल करके स्टोर किया जाता है अंडर कंट्रोल्ड ह्यूमिडिटी कंडीशंस। कंट्रोल्ड ह्यूमिडिटी मतलब कि नमी की कंडीशंस वहाँ पर ना हों। और ऐसा क्यों? टू अवॉइड रस्टिंग ऑफ दी कैंस। जो कैंस होती हैं जिनमें कि स्टोर किया गया है, अगर ह्यूमिडिटी होगी तो उनमें रस्टिंग हो जाएगी, उनमें जंग लग जाएगी, इसलिए ऐसे स्थान पे इनको स्टोर किया जाता है जहाँ पे ह्यूमिडिटी या नमी ना के बराबर हो। जो पूरी प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ी डिटेल में, उसका एक ये फ्लो डायग्राम दिया गया है ताकि आप चीज़ों को अच्छे से मेमोराइज करके रख सकें, इजिली समझ सकें। हालांकि पूरी प्रोसेस को समझना आसान हो इसलिए मैंने सारी चीज़ें पहले ही पढ़ाई हैं और ये फ्लो डायग्राम बाद में रखा है, क्योंकि अगर मैं पहले ये चीज़ आपको बता देती फिर आप इन चीज़ों को समझने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले पाते और ज़्यादा समझ भी नहीं पाते, क्योंकि आपको आप डायरेक्टली फ्लो चार्ट पढ़ते हैं, आपको हर एक चीज़ का मतलब नहीं पता होता कि क्या मतलब होता है इसका और क्यों ये स्टेप किया जा रहा है। तो अभी आपको सारी चीज़ें पता हैं तो चलिए देख लेते हैं फ्लो चार्ट के फॉर्म में। सबसे पहले क्या हुआ था? रिसेप्शन ऑफ मिल्क, मिल्क को लिया गया, फिर कूलिंग हुई, कूलिंग के बाद में फिल्ट्रेशन का स्टेप हुआ, क्लेरिफिकेशन किया गया कि किन्हीं भी बाहरी चीज़ों को हटाया गया। उसके बाद में हुआ स्टैंडर्डाइजेशन, फिर स्टेबलाइजेशन हुआ, उसके बाद में फोर वॉमिनिंग हुई, उसके बाद में शुगर को ऐड किया गया, फिर कंसंट्रेशन किया गया, उसके बाद में होमोजेनाइजेशन किया गया। होमोजेनाइजेशन हमने देखा था ऑप्शनल था, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। उसके बाद में मैटर को कूल किया गया और फिर उसके बाद में लैक्टोज को ऐड किया गया फॉर द क्रिस्टलाइजेशन, और उसके बाद में पैक करके स्टोर कर लिया गया इन 10 to 15 degrees centigrade। तो ये आपका फ्लो चार्ट है ताकि आप चीज़ें अच्छे से याद कर पाएँ। स्टेप बाय स्टेप आप इसे याद कर सकते हैं, लेकिन आप उन स्टेप्स में हो क्या रहा है उसके लिए आपको ये डिटेल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब देखते हैं प्रोसेसिंग पैकेजिंग एंड स्टोरेज ऑफ इवेपोरेटेड मिल्क। जो इवेपोरेटेड मिल्क होता है उसकी प्रोसेसिंग पैकेजिंग एंड स्टोरेज कैसे किया जाता है। इवेपोरेटेड मिल्क इज अ कॉमर्शली स्टेराइल प्रोडक्ट। ये कॉमर्शली स्टेराइल प्रोडक्ट होता है एंड डज नॉट कंटेन शुगर। इवेपोरेटेड मिल्क में शुगर प्रेजेंट नहीं होती। अब इसकी प्रोसेसिंग के लिए सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है रिसेप्शन। ऑल्दो किसी भी प्रोसेस की अगर हम बात करेंगे तो मिल्क से कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो सबसे पहला स्टेप होगा रिसेप्शन ऑफ मिल्क इन एवरी प्रोसेस। आगे की चीज़ें बदलती रहती हैं लेकिन मिल्क से चीज़ बनाने के लिए मिल्क आपको लेना ही है, इसलिए रिसेप्शन ऑफ मिल्क। चलिए, इवेपोरेशन होता है। द प्रोसेसिंग स्टेप From reception of milk to evaporation are similar to the sweetened condensed milk manufacture. जो reception का starting का evaporation तक की चीज़ें होती हैं, जो अभी हमने last पढ़ा है condensed milk manufacture, उसके जैसी ही होती हैं। फर्क कहाँ पर आता है कि इसमें sugar नहीं होता, that no sugar is added
and concentration is usually done in a multiple effective evaporator. उसके बाद में क्या होता है, clarification किया जाता है milk को and is preferable to filtration. फिर filtration होता है and the main purpose of for e-warming is to improve the heat stability of milk and ensure a medium viscosity in the finished product. ये सारी चीज़ें पहले ही कर ली जाती हैं ताकि जो viscosity है वो medium हो और finished product में एकदम से uniform चीज़ें हों. अगली प्रोसेस होती है होमोजेनाइजेशन की. अनलाइक इन केस ऑफ स्वीटेंड कंडेंस्ड मिल्क, होमोजेनाइजेशन ऑफ कंसनट्रेटेड मिल्क इज एन इसेंशियल स्टेप टू प्रिवेंट फैट सेपरेशन इन द इवेपोरेटेड मिल्क मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग इट्स स्टोरेज. अब ये जो होमोजेनाइजेशन की प्रोसेस होती है, ये हमने देखा था जो स्वीटेंड कंडेंस्ड मिल्क था उसके केस में ये ऑप्शनल था. आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं. लेकिन ये जो कंसनट्रेटेड मिल्क होता है, इवेपोरेटेड मिल्क होता है, इसके केस में ये होमोजेनाइजेशन की प्रोसेस एसेंशियल स्टेप हो जाती है. इसको करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इसमें मिल्क ज़्यादा ही कंसनट्रेटेड फॉर्मेट में है, तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट देने होंगे ताकि चीज़ें इवन हों. अगला स्टेप होता है कूलिंग की. द कंसनट्रेटेड होमोजेनाइज्ड मिल्क इज कूल्ड टू एट टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड. कूलिंग की जाती है टू रिटार्ड द डेटरी वोरेटिव चेंजेस ड्यू टू बैक्टीरियल ग्रोथ. कूलिंग की जाती है ताकि कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ना कर सके. अगले स्टेप में किया जाता है पायलट स्टरलाइजेशन टेस्ट. Since the concentrated milk is subjected to high heat treatment during sterilization, it is difficult to predict correctly the behavior of the product during sterilization. अब बहुत ज़्यादा हीट का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है स्टरलाइजेशन के प्रोसेस में, तो जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी को, उसको एक्यूरेटली आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि क्या हो रहा है. इसीलिए Each batch is tested by pilot sterilization test. अब ये जो product sterilize होके आया है उसको दोबारा से उसकी quality check करने के लिए pilot sterilization test किया जाता है ताकि जो product बन के आ रहा है उसकी quality को check किया जा सके कि proper है, या जो heat treatment हुआ है during process of sterilization इसमें कोई difference आ गया है quality में. अभी ये पायलट स्टरलाइजेशन टेस्ट किया जा कैसे जाता है. दिस इज डन बाय पैकेजिंग द प्रोडक्ट इन स्मॉल 125 टू 150 एमएल कैंस एंड स्टरलाइजिंग एट 116 टू 118 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 टू 16 मिनट फॉलोड बाय रैपिड कूलिंग. अब पायलट स्टरलाइजेशन टेस्ट में क्या होता है, प्रोडक्ट जो आपका बना हुआ है उसको पैक किया गया छोटी छोटी कैंस में और फिर उसको 116 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट कर दिया गया 15 से 16 मिनट. और हीट करने के बाद तुरंत उसका वेट नहीं किया गया कूल होने के लिए, उसको तुरंत ही कूल कराया गया. इस तरीके से पायलट स्टरलाइजेशन टेस्ट परफॉर्म किया जाता है प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करने के लिए. अगला स्टेप है कैनिंग का. द कंसनट्रेटेड मिल्क इज पैकेज्ड इन क्लीन ड्राई कैंस. क्लीन और ड्राई कैंस में पैकेज्ड किया जाता है लीविंग अ हेड स्पेस ऑफ 0.5 टू 0.7 मीटर सेंटीमीटर इन द ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन. अब इसकी फिलिंग की जाती है, ऐसा नहीं होता है कि पूरा का पूरा आप फिल कर दें इसको, आपको कुछ स्पेस छोड़ना होता है और जो मशीन इसमें फिल कर रही होती है ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन, उसमें कुछ इस तरीके से चीज़ों को सेट कर दिया जाता है कि जिस जितने स्पेस को उसे छोड़ना है वो ऑटोमेटिकली छोड़ती चलती है, हर कैन में उस स्पेस को वो छोड़ देती है.
The temperature of the evaporated milk when filling into the cans should be around 5 degree centigrade. जब फिलिंग की जा रही है तो फिलिंग के टाइम पे टेम्परेचर जो होना चाहिए इवेपोरेटेड मिल्क का, ये लगभग 5 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ होने लग जाती है। अगला स्टेप है स्टरलाइजेशन का। लीकी कैंस आर एलिमिनेटेड बाय पासिंग देम थ्रू अ हॉट वाटर बाथ। हॉट वाटर बाथ के थ्रू कुछ ऐसी कैंस होती, क्योंकि मशीन से फिलिंग हो रही है तो एक एक तो किसी ने देखा नहीं है कि किसी में चीज़ें लीक हो रही हैं या नहीं, तो उनको हॉट वाटर बाथ दी जाती है, गर्म पानी में उनको भेजा जाता है। एंड इफ देयर आर पिन होल्स एयर एस्केप्स आउट एज अ बबल। अगर कोई भी होल होता है और उसे हॉट वाटर बाथ देते हैं आप, तो वहाँ से बबल्स जैसे बनने लगते हैं और एंड सच स्टेन्स आर रिमूव, और उनको रिमूव कर दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आसानी से हो जाती हैं, क्योंकि अब आप एक एक अगर कोई इंसान फिल कर रहा है तो वो चेक कर करके करेगा, लेकिन मशीनों के साथ में ऐसा नहीं होता है, उनको तो फिल करना है कहाँ लीक हो रहा है कहाँ, और ये आसानी से कोई छोटा सा होल है तो आपको पता भी नहीं चल सकता, डायरेक्टली नहीं पता कर सकते। इसलिए जब उनको गर्म पानी मिलता है तो वो बबल की तरह बन के निकलते हैं, तो पता चल जाता है हाँ यहाँ से चीज़ें लीक हो रही हैं, इस कैन को हटा दीजिए। द फिल्ड कैंस आर स्टरलाइज्ड आइदर इन अ बैच और कंटिन्यूअस स्टरलाइजर, या तो बैच स्टरलाइजर में या कंटिन्यूअस स्टरलाइजर में इन फिल्ड कैंस को स्टरलाइज कर लिया जाता है। अगला स्टेप होता है कूलिंग। इमीडिएटली आफ्टर द होल्डिंग टाइम इज ओवर द इवेपोरेटेड मिल्क इज कूल्ड विद इन 15 मिनट टू 27 to 32 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे ही होल्डिंग टाइम ओवर होता है, सारी चीज़ें चेक वेक हो जाती हैं और जो मिल्क होता है उसको कूल किया जाता है 15 मिनट लगभग 27 से 32 डिग्री पे। डिलेड कूलिंग में कॉज द कैंस टू बर्ल्ड। ये जो कैंस होती हैं, अगर कूलिंग डिले हो जाती है, लेट हो जाती है, तो बल्ज बन जाएंगे। बल्ज मतलब ऐसे अगर कोई प्रॉपर कैन है तो इसमें बहुत देर हुई तो ऐसे ऐसे कुछ उभार जैसे बन जाएंगे, अगर उसमें कूलिंग प्रॉपर ना हुई, तुरंत नहीं हुई, इसलिए इनको इमीडिएट कूलिंग की तरफ ले जाया जाता है। अगला स्टेप होता है शेकिंग। द पर्पज ऑफ शेकिंग इज टू मैकेनिकली ब्रेक डाउन एनी मास विच मे हैव फॉर्म्ड ड्यूरिंग स्टरलाइजेशन। शेकिंग की जाती है, हिलाया जाता है उनको, ताकि अगर कोई भी मास बन गया, कोई चीज़ें अगर एक साथ में इकट्ठी हो गई हैं, तो उनको ब्रेक किया जा सके, ताकि टू अ स्मूथ होमोजीनस कंसिस्टेंसी, जो मैटर प्रोडक्ट जो आपका प्रोडक्ट है केन में, वो होमोजीनस हो, एक जैसा हो, ये नहीं कि कहीं पे एक थिक मास इकट्ठा हो गया, कहीं पे लिक्विड है। अ शेकिंग पीरियड ऑफ 15 seconds to 2 minutes इज यूजुअली सफिशियंट। 15 सेकेंड से लेकर 2 मिनट तक का ये शेकिंग पीरियड सफिशियंट होता है। एक्सेसिव शेकिंग शुड बी अवॉइडेड एज इट डिक्रीजेस द विस्कोसिटी। इससे ज़्यादा की भी शेकिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ लिमिट में होनी चाहिए। अगर शेकिंग नहीं की तो मास जैसा बन सकता है, ओवर शेकिंग हो गई तो वो बहुत लिक्विड हो जाएगा, विस्कोसिटी कम हो जाएगी, इसलिए 15 सेकेंड से 2 मिनट तक में ही शेकिंग कर लेनी चाहिए। अगला स्टेप आता है स्टोरेज का। अ स्टोरेज टेम्परेचर ऑफ 5 to 16 डिग्री सेंटीग्रेड इज जनरली यूज्ड। स्टोर करने के लिए 5 से 16 डिग्री तक के टेम्परेचर का यूज किया जाता है। कमर्शियल इवेपोरेटेड मिल्क रिमेन्स एक्सेप्टेबल अप टू 2 years व्हेन स्टोर्ड बिलो 16 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर 16 डिग्री तक इसको स्टोर किया जाता है तो ये इवेपोरेटेड मिल्क लगभग 2 साल तक फ्रेश रहता है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बट डिटेरियोरेट्स रैपिडली एट 21 डिग्री सेंटीग्रेड और अबव। अगर टेम्परेचर 16 डिग्री से बढ़ता है तो ये जल्दी ही डिग्रेड हो जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर सकते हैं। इन्वर्जन ऑफ द कैंस ड्यूरिंग स्टोरेज हेल्प्स मिनिमाइज फैट सेपरेशन। इन्वर्ट करके, उल्टा करके कैंस को रखा जाता है स्टोरेज में, ताकि फैट का सेपरेशन मिनिमम हो।
अगला है डिफेक्ट इन ये जो इवेपोरेटेड मिल्क है इसमें क्या डिफेक्ट हो सकते हैं, चलिए देखते हैं। द डिफेक्ट्स अकरिंग इन द इवेपोरेटेड मिल्क आर सिमिलर टू दोज अकरिंग इन स्वीटेंड कंडेंस्ड मिल्क ऑल्दो माइक्रोबायोलॉजिकल डिफेक्ट डू नॉट अकर यूजुअली अनलेस द टिन्स आर लीकी और हीट ट्रीटमेंट इज इनसफिशियंट। जो डिफेक्ट की प्रोसेस होती है जैसे स्वीटेंड कंडेंस्ड मिल्क होता है उसी की तरीके से इसमें भी होती है, लेकिन यहाँ पे इस केस में होती है, जनरली नहीं होती है ये डिफेक्ट की जो प्रोसेस होती है, लेकिन अगर कोई भी लीकी टिन है जिसमें कि कोई प्रोडक्ट रिलीज हो सकता है या कुछ भी, तो या ऐसा जिसमें कि हीट ट्रीटमेंट नहीं हुआ है प्रॉपर, तो उस केस में डिफेक्ट आ सकता है। अगेन फ्लो चार्ट में सारी चीज़ों को इजीली समझाया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे स्टेप्स को यहाँ पे दिया गया है ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें चीज़ें कैसे हो रही हैं। सबसे पहले रिसेप्शन होता है, कूलिंग होती है, फिल्ट्रेशन किया जाता है, क्लेरिफिकेशन होता है, फिर स्टैंडर्डाइजेशन किया जाता है, फोर वॉर्मिंग होती है, इवेपोरेशन होगा, फिर उसके बाद में वो प्रोडक्ट को होमोजेनाइज किया जाएगा, उसके बाद में कूलिंग होती है, कूलिंग के बाद में पायलट स्टरलाइजेशन टेस्ट होता है प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करने के लिए, उसके बाद में केनिंग की प्रोसेस की जाती है, अगेन केन्स को स्टरलाइज किया जाता है, फिर कूलिंग होती है, शेकिंग की जाती है ताकि अगर कहीं भी मास बन गया हो प्रोडक्ट का तो वो मास एकदम से नॉर्मल फॉर्म में आ जाए विस्कोसिटी में, और उसके बाद में इसको स्टोर करके रख लिया जाता है। सो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारी ITLS Academy की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, या आप लिंक आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं, वहां से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। फॉलो करिए ITLS Academy को ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। Thank you very much for watching this session.